प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद हिंदुस्तान। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी एकदम जबरदस्त होंगे, और अगर कुछ कमी है तो ईश्वर जल्द से जल्द आपको उसमें से बाहर निकाले और आपको एक नई दिशा प्रदान करे। और यहां पे दीपिका शर्मा भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुद्रांश भैया, सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आपके अपने अतुल अवस्थी शराब से मुखातिब हो चुके हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपका सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा। सहृदय धन्यवाद है बेटा आप लोग सभी का कि आप सभी रात में 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ते हैं और यहाँ पे अपनी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को सहृदय धन्यवाद है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आज आप सभी के साथ मैं आज के सेशन में कुछ लाजवाब, कुछ शानदार करने वाला हूं। और यानी देखो, मैं रोज रात में 10 बजे मिलता हूं, फिर सोचता हूं कि तुम दिन भर की जद्दोजहद के बाद रात में 10 बजे, ठंड का माहौल है, अब फिर सुन रहे हो यार अतुल अवस्थी सर की क्लास है, आज सर कुछ नया सिखाएंगे, तो बस आपके लिए कुछ नया लाने के फिराक में रहता हूं कि आज इनको सिलॉग भी बताऊं तो कुछ ऐसे तरीके से बताऊं कि इनका दिल खुश हो जाए। अस्मिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपिका शर्मा क्या हालचाल है बेटा, प्रियंका और अमृता भैया सभी सही हैं, और सत्या भैया सभी खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, संस्कार से एकदम युक्त रखे, सदैव खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ पे सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सेशन का आगाज करते हैं। और आज लकी तो नहीं आया, लेकिन लकी ने बड़ी आज सही बात बोली है। लकी ने हमसे कहा कि आप जाके आज स्टूडेंट्स को बोल के आइएगा, आज उसकी तबीयत खराब है हमें लग रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम आराम करो, हम बता देते हैं। आज लकी कहना है कि यहाँ कब कौन क्या किसी को देता है। बड़ी सही बात कही है उसने कि यहां कब कौन क्या किसी को देता है, हम आप बहाना है वो खुदा देता है, और जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब वो लेता है ना तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। तो बस प्राउड नहीं करना है, उस परमपिता का धन्यवाद देना है, माता पिता का धन्यवाद देना है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के नए नए जो आयाम है उनको खोजना है, और जिंदगी में कुछ बेहतर करना है। तो चलिए, मैं एकदम अच्छा हूँ, अरुण कुमारी आपकी मोहब्बत है, शाम का समय है, रात के 10 बज चुके हैं, और मैं आपका अपना अतुल अवस्थी आपसे मुखातिब हो चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यहाँ पे मैं अड्डा का महापैक के बारे में, दोस्तों मैं अड्डा का महापैक इसलिए बताता हूँ ना, एज बड़ा भाई भी तुम्हें समझाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस कंपनी में हूँ। ये एक ऐसी संजीवनी है जिसको आप अपने अनुजों को, अपने चाहने वालों को सजेस्ट कर दीजिए कि अड्डा का महापैक है, जहाँ पे SSC, रेलवे और बैंक सब कुछ, यानी जितनी भी फैकल्टी तुम्हें दिखती है, सबका लेक्चर और जो कुछ नया आने वाला है या जो आ चुका है, इन सबको, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको Y272 कोड लगा के इस बैच को परचेज कर लेना है। इजी, मॉडरेट, हाई लेवल का कॉम्बिनेशन है यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, तो थैंक यू सो मच विनोद भैया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, तो यहाँ पे अड्डा 247 का ये महापैक है, जहां पे आपको, मतलब आप दद्दा पैक है, यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, बैंक का महापैक है केवल बैंक वालों के लिए। भैया दोस्तों, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो केवल बैंक में हर तरीके की क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन वो छोटा छोटा पैसा दे के परेशान हो गए, तो एक छोटा सा अमाउंट 1500-2000 रुपए का एक बार लेके 12 महीने के लिए फ्री हो जाओ। 12 महीने अड्डा 247 में अगर सांस भी ली गई बैंक के नाम पे, तो हर एक चीज तुम्हें समय पे मिल जाएगा। तो चलो भैया, ईश्वर करे आप सब इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखता हूं किसमें कितना है दम और कौन है जो इस क्वेश्चन के जवाब दे सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइमर की आवाज पहले बंद कर दूं, क्योंकि टाइमर की आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही, कान में बहुत तेज हेडफोन लगा हुआ है ना। तो चलो इसका आंसर बताओ, 30 सेकंड है, जरा सोचो कि क्या सच में जो तुम सोच रहे हो वही जवाब है। छोटन में भाई, वो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना। अर्निमा साक्षी खुश रहो बेटा, अर्निमा बहुत दिन बाद तुम्हें देख रहा हूं मैं भैया, बहुत भैया खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। पलक शुक्ला, अर्निमा साक्षी खूब उन्नति करो बेटा, खूब आगे बढ़ो। सत्या रंजन दास जी, तो यहां पे जरा समझिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर CND, याद रखना कि आप लोग, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर कहीं इसी पे ऐसे अगर काट दे, अगर ये चीजें ऐसे दी होती कि भाई यहां पे होता है सी इज नॉट ग्रेटर देन पी इज नॉट ग्रेटर देन ई, तो यहां पे होता कि सी इज लेस देन आर इक्वल टू पी इज लेस देन आर इक्वल टू ई, और यहां पे क्या है, सी इज लेस देन आर ग्रेटर देन पी, यहां पे ग्रेटर देन लेस देन ई है, बोलो हाँ है ना। यहां इक्वल टू है मेरे भाई, जो सबको बैलेंस किए हुए है, यहां ये इक्वल टू है जो सबको बैलेंस किए हुए है, लेकिन यहां पे क्या है, एक उधपुर है तो दूसरा महमूदपुर है, यानी दोनों के दोनों आपस में क्या है। तो एक बात मोटा मोटा जानो, अगर ये केवल इन दोनों में बोल देते कि सी इज
greater than P या C is less than P, तो ये मैं either और बोल देता, ये either और सही होता, लेकिन दो not equal to जब एक साथ आ जाएं, क्या बोला मैंने, जब दो not equal to एक साथ आ जाएं, दो not equal to एक साथ आ जाएं, तो पहले तीसरे का हमेशा no relation होता है, पहले तीसरे का no relation होता है, इसलिए इसको मोहब्बत से आप बोल दीजिए neither nor है, either और नहीं लगेगा, it's a neither nor, ठीक है ना, दौड़ के एकदम 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 बोल दिए neither nor है, ये either और हो ही नहीं सकता, it's a neither nor, क्या है ये neither nor है, either और कभी नहीं लगेगा, सोच समझ के जवाब देना, इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसको उड़ा दो, फिर बताओ यहां पे जवाब क्या होगा, जल्दी से सोचो, और याद रखना ये 30 सेकंड में इसलिए देता हूं कि हर एंगल से सोच लेना, क्या कहीं कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी तैयारी के चक्कर में वो माइन्यूट सी बात छोड़ दिए, अगर 20 नंबर की सिटिंग पजल आती है, मैंने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया, लेकिन जिसमें ये 15 नंबर पा जाने की हैसियत है, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर ले, कोई माइकल लाल उसका कट ऑफ रोक नहीं सकता है, ये कन्फर्म है, बोलो, लेकिन इस 15 को एकदम कहते हैं ना कि इसमें किसी को खट्टे का भी एहसास नहीं आना चाहिए कि बाप रे बाप कितने खतरनाक ढंग से इसने क्वेश्चन किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को एकदम उड़ा के रख दो भाई, जिसने बोला ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, क्या बोला है, सभी ट्रक क्या है, फ्लाइज हैं, यानी सभी ट्रक क्या है, फ्लाइज हैं, तो हमने बना दिया, सम स्कूटर आर फ्लाइज, तो सम स्कूटर आर फ्लाइज, अब हमें पता है कि टी और एस में कोई भी पॉसिबिलिटी लगा के पूछो सही होगा, लेकिन टी और एस में कुछ भी 100% सही नहीं होगा, क्योंकि टी और एस एक दूसरे से कंप्लीटली अननोन है, क्योंकि अगर ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी के मित्र हैं, तो हम अपने पिताजी के सारे मित्रों को जाने, आई डोंट नो, हो सकता है पिताजी का ही कोई मित्र आपका फादर इन लॉ बने, इट इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई ट्रक और स्कूटर में कुछ भी बोलो बिल्कुल सही नहीं होगा, सम स्कूटर आर ट्रक, सम मैं बोला ना, इनमें कुछ भी बोलोगे दोनों गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, बोलो हाँ या ना, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से सोचो क्या होगा, 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं 15 सेकंड में मैं टाइमर बंद कर दूंगा, 110% दद्दा 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूंगा, सोच के जवाब देना, चलो अब जरा देखो यहां पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से 6, तो लेफ्ट हैंड साइड से 6, लेफ्ट हैंड साइड से 6 से छठे और दाएं छोर से सातवें, ठीक है ना, अब जरा समझना कि लेफ्ट हैंड साइड से 6 के राइट हैंड साइड 7th के बीच क्या होगा, है ना, तो अगर हम बोले तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इसके बीच में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बीच में जेड ही आना चाहिए, ये शायद कल कराया था मैंने, क्योंकि मुझे अच्छे से याद आ रहा है, 9 इधर 9 इधर, बीच में 19 होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन शायद हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ है, बीच में जेड आएगा भाई, यहां पे 19 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हां बीच में Z आएगा, Z will be the right answer, Z बिल्कुल सही जवाब होगा, Z बिल्कुल सही जवाब होगा, Z सही होगा, चलो इसका आंसर बताओ, आप सोच के जवाब देना, मैं बार बार कह रहा हूं सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, अंकिता शुक्ला बहुत ही बढ़िया, देखो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एग्जाम में गलत हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां ही गलत होती हैं, सिर्फ छोटी छोटी गलतियां, ठीक है ना, अभी जल्दी सोचो क्या होगा, हाँ बहुत ही बढ़िया, रिचा कुमारी, अर्णिमा साक्षी, पलक शुक्ला बहुत ही बढ़िया, एनएस प्रियंका आर, पलक, अंकिता शुक्ला, विश्वजीत नायक साहब, अनिकेत शर्मा, विनोद, अब किसी ने कहा जरा सोचो कि यहां पे मैंने बोला कि जब दो नॉट इक्वल टू एक साथ आ जाएं तो इसमें और इसमें क्या होता है, नो रिलेशन होता है, क्या होता है, नो रिलेशन होता है, और जब नो रिलेशन होता है तो नो रिलेशन का मतलब है कि यहां पर आइदर और लगने के लिए यहां पर यह आइदर और होगा, आइदर और क्यों होगा, क्योंकि आइदर और मतलब कि हम कुछ यहां पे हम ए और जी में कुछ कह नहीं सकते, तो ए और जी में कह नहीं सकते तो हमें आइदर और लगाने के लिए 3 यस सर बोलना होता है, एलिमेंट सेम है, बोले एजी एजी सेम है, दोनों गलत है, जी हां दोनों गलत है क्योंकि दोनों में नो रिलेशन है, क्या ऑल ऑफ 3 साइन मस्ट बी हियर, क्या तीनों साइन है, बोले ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन है, देन इट विल बी आइदर और, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर दोस्तों, ये पूछा जाता है, ये मैंने कई बार रिपीट करवाया है आपको, ठीक है ना, इसका आंसर बताओ जल्दी से, आंसर 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूंगा,
ठीक है, 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूंगा, जल्दी से सोचो। अब जरा देखो, अगर किसी ने देखो अभी अभी किसी ने कहा कि सर इसमें आंसर क्या होना चाहिए, देखो सम ग्लासेस आर, तो उसने क्या बोला, सम ग्लासेस आर, तो सम ग्लासेस ये हो गया, सम ग्लासेस आर स्पून, तो सम ग्लासेस आर क्या हो गया, स्पून हो गया, ठीक है ना। सम जग आर स्पून, तो सानी सम जग आर स्पून, अब ग्लासेस और जग में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो उसने बोला ऑल जग बींग ग्लास, देखो जग और ग्लास याद रखना, जग और ग्लास में कुछ भी पॉसिबिलिटी लगाओ, क्या मैं सही कह रहा हूं, कुछ भी पॉसिबिलिटी लगाओ, कुछ भी पॉसिबिलिटी लगाओ, सब सही होगा। ऑल जी आर जग, ऑल ग्लास आर जग इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। नो जग आर ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। नो कुछ भी जग और ग्लास में आंख बंद करके कोई भी पॉसिबिलिटी लगाओ, सही है, क्योंकि बोथ आर अननोन। सम स्पून आर जग, तो सम स्पून आर जग ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब किसी ने कहा कि अगर सारे प्रतीकों को हटा दिया जाए, हटा दो, तो राइट हैंड साइड से नौवा, राइट हैंड साइड से नौवा के लेफ्ट हैंड साइड पांचवा कौन सा होगा, राइट हैंड साइड के नौवा के लेफ्ट हैंड साइड पांचवा जब अलग अलग हो तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, नौ पांच चौदह, लेकिन चौदह किधर से, चौदह किधर से, राइट हैंड साइड से, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, बोले कहां गिन रहे सर, ऐसे गिनेंगे, हमने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों नहीं गिन सकते, बोले सर जब आपसे उसने एक बार कह दिया यही गलती आप एग्जाम में भी करते हैं, हमने कहा भैया क्या कर दिया, बोला उसने कहा सारे सिंबल हटा दीजिए, आपने यहां पढ़ाने क्या सारे सिंबल हट जाएंगे, तो हमने कहा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, अब बताइए यहां पे अब आया कि नहीं चौदह, हमने कहा हां, बोले यही एग्जाम में गलत करते हैं सर, जब आप हम लोग यहां पे फोकस कर ले जाते हैं और जो मेजर बात होती है गुरुदेव वो यहां पे लिखी रहती है, और फिर कहते हैं किया तो पूरा था लेकिन मिला नहीं है, तो यही कारण होता है बेटा कि करते पूरा है और मिलता नहीं है, ठीक है ना। अब ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ जरा, देखें कितने लोग हैं जो बड़े होशियार हैं दद्दा लोग, जल्दी से ये सोचो ये क्या होगा, उड़ा दो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन, जितना उड़ाने की हिम्मत रखोगे ना उतना मजा आएगा, गारंटी लेता हूं, जल्दी से बताओ, हम भी इधर देख लेंगे, कमेंट नजदीक से पढ़ने का मजा कुछ और होता है, ठीक है ना। चलो यहां पर देखते हैं, ठीक है यहां पर देखते हैं कितने लोग हैं जो मुझे इस समय सुन रहे हैं। चलो अब चलो आंसर बताओ, ऋचा कुमारी, हाँ चलो चलो इसका आंसर बताओ, हाँ वो दो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा, वो जो जो मैंने कराया था ना मुझे लगा कि स्लाइड में, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे लगा भी मैं उसे हटा दूंगा, ठीक है ना। चलो हाँ मुझे दिखा, अब देखो यहां पे आंसर अगर पूछा कि ये क्या होगा, देखो मैंने तुमसे बोला जेड से टी जाना है, जेड से टी जाना है, तो जेड से टी जाना है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है, याद रखना ये जेड और सी, ये टी और आर, ये सब ये दोनों एक ही हैं, ये जेड और सी ये बहुरूपिया हैं, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, जेड से टी गया है, आर से सी गया है, याद रखना ये आइदर और होगा मेरे दोस्त, ये आइदर और होगा, ये कहीं पे बेइज्जती ना हो जाए, ये आइदर और होगा मेरे भाई, ये आइदर और, किसी ने कहा सर एलिमेंट सेम कहां है, आप ही तो बताते हैं आइदर और तब लगता है कि जब एलिमेंट सेम हो, हमने कहा हां, बोले दोनों गलत हो, बोले हां तीनों साइन हो, तब जब ये तीन कंडीशन होता है तभी तो आइदर और लगता है, हमने कहा हां तभी लगता है, तो बोले सर एलिमेंट यहां कहां सेम है, अरे हमने कहा जेड और सी बराबर है, इसे सी बराबर जेड कर दोगे तो क्या समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसे टी बराबर आर कर दोगे तो समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आर की जगह चाहे भाई आर की जगह मैं जेड लिख दूं तो बताओ क्या, आर की जगह जेड लिख दूं, सी की जगह क्या लिख दूं, बोलो बात सही है कि नहीं। तो इसलिए इस बातों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है गलत, जेड से टी जाना है, जेड से टी जाना है, आर से सी जाना है, आर से सी जाना है, तो यहां पे ये दोनों यानी अगर तीन साइन तुम्हें दिख रहे हैं, अगर तीन साइन कैसे दिख रहे हैं जरा देखो, जेड इज ग्रेटर देन टी, तो जेड इज ग्रेटर देन टी, तो ग्रेटर देन मिला, अब क्या बोल रहा है आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, तो अब ये बड़ा है तो इसका मतलब लेस देन आर इक्वल भी तुम्हें मिल रहा है, यहां पर तीनों साइन मिला इसलिए ये आइदर और हो जाएगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा दिक्कत है। अरनिमा कल
कल थोड़ा सा देखो, ये चलो हो गया था, ये हो गया था, चलो इसको हटाओ, इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा, प्रियंका बहुत ही बढ़िया, दीपिका आचार्य बहुत ही बढ़िया, रवि सिंह साहब थैंक यू सो मच कम से कम चलो भैया आंसर बताओ। अब किसी ने कहा कि यहां पे क्या होगा, तो बोले सम बैग आर हॉट्स है, क्या बोला सम बैग आर हॉट्स है, तो सम बैग आर हॉट्स है, चलो ठीक है। फिर बोला ऑल हॉट्स आर केक है, तो ऑल हॉट्स आर क्या है, केक है, चलो ठीक है। ऑल केक आर बैग्स है, ऑल केक आर क्या है, बैग्स है, ऑल केक आर क्या है, बैग्स है, चलो ठीक है। ऑल बैग्स देखो यहां पे अच्छा मैंने क्या ज्यादा बना दिया क्या, अरे यार मैं कहां तक जा रहा हूं। सम बैग आर हॉट्स है, सम बैग आर क्या हो गया, हॉट्स हो गया, चलो ठीक है। ऑल हॉट्स आर केक है, ऑल हॉट्स आर क्या है, केक है, चलो ठीक हो गया। अब उसने बोला ऑल केक आर बैग्स, तो केक ये है, बैग ये है, जब कुछ कुछ है तो पूरा 100% कैसे कह दें, ऑल बैग आर केक कह दें, तो ये भी हमारा गलत है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा, देन इट विल बी अनाइदर नॉर। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, एक नंबर। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मैं गारंटी देता हूं कि 99.9% लोग गलत जवाब दोगे, गलत जवाब दोगे, रिटर्न वादा है मेरा। मुझे पॉजिटिव वेव्स आने लगती है कि पक्का गलत जवाब आएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच को मैं एकदम सलाम करता हूं। आइदर और का मतलब समझते हो क्या होता है, आइदर और का मतलब होता है या तो तुम मार खाओगे या तो भिंडी खाओगे, मतलब बिना मार खाए नहीं जा सकते हो, मतलब बिना कुछ खाए नहीं जा सकते। जैसे मैंने कहा या तो मार खाओ या तो भिंडी खाओ, अब बताओ बिना खाए चले जाओ तो हम जाने, मतलब तुम्हारे पास कोई विकल्प ना हो और कुछ चुनने का। मैंने तुमको कह दिया या तो मार खाओ या तो भिंडी, अब भिंडी खा लोगे तो मार नहीं खाओगे, मार खा लिए तो भिंडी नहीं खाओगे, इसे आइदर एग्जैक्टली आइदर और कहते हैं। अब किसी ने कहा ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं आइदर और, ये है आइदर और। किसी ने कहा सर अब आप हमारा मूड खराब कर दिए, अब आप हमको मतलब गुस्सा दिला दिए, मतलब एकदम गुस्सा दिला दिए कि अब तो ये कैसे आइदर और हो जाएगा, ये आप आइदर और प्रूफ कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको 20 बीघा जमीन फ्री, अगर आपने इसमें आइदर और प्रूफ कर दिया तो हमारी तरफ से 20 बीघा जमीन आपको फ्री। हमने कहा अरे यार इतना ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोले आप इसमें आइदर और कहां लगेगा, अभी तो आप समझाए हैं। मैंने कहा बेटवा हमने समझाया है जब दो नॉट इक्वल टू एक साथ आ जाए तो दैट्स कॉल असगुनाह साइन, ये कभी आइदर और बनने नहीं देता है। लेकिन अगर ए से डी की हम बात करें तो ए और बी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये दोनों 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 जुड़वा बच्चे हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए और ए से डी की बात करूं तो यहां पर तो केवल यही साइन आएगा ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो सिर्फ यही साइन आएगा। जब ये दो हो जाते हैं और यहां पे भी ऐसे ऐसे हो जाता है तो यहां पे ए और ई में नो रिलेशन हो जाता, लेकिन जब सिर्फ ए और डी की बात कर रहा है, सॉरी जब सिर्फ ए और डी की बात कर रहा है, उस किसकी बात कर रहा है, सिर्फ ए और डी की बात कर रहा है, तो जब ए और डी की बात कर रहा है तो या तो ए डी से बड़ा होगा या तो ए डी से छोटा होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि भाई बी और डी में आइदर और लग सकता है, डी और एफ में आइदर और लग सकता है, लेकिन बी और ई में आइदर और कभी नहीं लग सकता है। इसलिए यहां पर याद रखना या तो बड़ा या तो बराबर, ये आइदर और होगा, याद रखना ये आइदर और होगा, मैं फिर बोल रहा हूं। अब बताओ ये आइदर और में जिसको कंफ्यूजन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको आइदर और में कंफ्यूजन है, जिसको भी आइदर और में कंफ्यूजन है मुझे बताओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि जो चूरन है उसे चूरन रहने दो, जो चूरन है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना, तो याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो नई नई चीजें सीखोगे तो मजा आ जाएगा, हाँ अभी हम बता देंगे। अब जरा समझना, किसी ने कहा यहां पे क्या होगा, बोले कुछ
कुछ कुत्ते, सम डॉग आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट। बोले सर ये डायग्राम हम क्यों बताते हैं, देखो जैसे मान लो ये यहां पे मारपीट कर ली, ये इनसे पटकम पटकी कर लिए, एकदम गिरा के पटकम पटकी खतरनाक तरीके से हो गया, इनकी पटकम पटकी इससे हो गई। अब बताओ यही है जो ए से बी लड़ रहा है, यही जो है जो बी से लड़ रहा है, ए और सी में कोई भी पॉसिबिलिटी लगाओ सही है। अब बी जो है वो डी से भी व्यवस्था बनाए है, जो बी है वो सी से भी व्यवस्था बनाए, तो डी और सी का कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। सम डॉग आर कैट, आई एम रियली सॉरी, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, सम कैट आर डॉग, बोल दिए चाहे इधर से पूछो चाहे उधर से पूछो, दोनों तरफ से गलत है, देन इट विल बी नाइदर नॉर। बोलो हाँ या ना, नाइदर नॉर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, आज तक मैं सीधा नहीं लिख पाया इस तरीके से, लिखने में ना मुझे सोचो बहुत मेहनत पड़ती है। ऐसे अगर कोई कहे कि ऐसे लिखो, ये करके दिखाओ, तो ऐसे देख रहे हो, फिर भी मैं ऊपर ही जाऊंगा, ये मतलब हाथ हाथ की बात होती है। लोग एग्जामिनेशन शीट ऐसे करके लिखते हैं ना बेटा, हम एग्जामिनेशन शीट ऐसे करके लिखते थे, जैसे ये एग्जामिनेशन शीट है तो ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे करके लिखते थे, सोचो। तो अब वो आदत पड़ी है तो कभी सीधा लिख ही नहीं पाते, लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन तुम लोग समझ लेते हो, ये बड़ा अच्छा है ना। अब जैसे एफ से ओ जाना है, तो एफ से अगर ओ जाना है तो एफ इज लेस देन ओ सही है, एफ इज लेस देन ओ सही है, बिल्कुल सही है, एफ छोटा है ओ से। लेकिन ये बात करोगे तो ये अनर्थ है, मतलब इसमें कहने का ये कह रहा है कि हम पापा की बारात में गए हैं, ये कह रहा है हम अपने पापा की बारात में गए हैं और गोरी तोर चुनरी बल लाल लाल रे इस गाने पे हम डांस किए हैं, मतलब ये कह रहा है कि हम पापा की बारात में गए हैं, मतलब अनर्थ कह रहा है, जो मतलब हो ही नहीं सकता। अब ये कह रहा है कि मतलब इस तरीके की चीजों को समझो कि जो एकदम क्लियर है, ओनली सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सारंग बहुत जल्दी होगा, सारंग बहुत जल्दी होगा बेटा, दीपिका बहुत बढ़िया, अर्निमा बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच डियर। अब जल्दी सोचो, अब जरा सोचो कि किसी ने कहा कि If the third alphabet of each word is changed to the next alphabet in the English alphabetical order, in how many words thus formed will alphabet appear twice? यानी यदि प्रत्येक शब्द का तीसरा वर्ण उसके अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में अगले वर्ण से बदल दिया जाता है, तो कितने शब्दों में एक वर्ण दो बार दिखाई देगा? तो भाई D है, तो ABCDE कर दिया, एस है तो एस के बाद टी कर दिया। अच्छा कोई ये सोच पाता सर तीसरा आर है कि तीसरा डी है? अरे हमने कहा जैसे राहुल है ना, आर ए एच यू एल, तो याद रखना एक दो तीन चार पांच होता है, ठीक है ना, तो ये तीसरा ये होगा, तो डी का ई कर दिया, एस का टी कर दिया, जी के बाद क्या होगा एच कर दिया, वाई का जेड कर दिया, डब्ल्यू का एक्स कर दिया। हमको तो कोई नहीं दिख रहा है कि कहीं पे कुछ दो बार आया है, सब सिंगल सिंगल आया है। दीपिका बहुत मारेंगे, कह रही है सर वो वाला गाना, तुम लोग ना से ही सब याद रखना है, मतलब जो जरूरी है उसको सुनो जल्दी से, यहां पे कोई भी ऐसा नहीं है, तो यानी नन विल बी द राइट आंसर, नन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो इसको बताओ, आंसर बताओ इसका, अब किसी ने कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन का जवाब देखिए कैसे उड़ाया जाता है। मैंने कहा बोलो, बोले सर ऑल पेंसिल आर पेन, पूरा पेंसिल क्या है पेन है। फिर बोला ऑल पेन आर इंक, पूरा पेन क्या है इंक है, ठीक है इंक है। फिर बोला ऑल द पेंसिल आर इंक, क्या पूरी पेंसिल इंक में है, स्वाभाविक सी बात है पूरी पेंसिल इंक में है। बोला सम इंक आर पेंसिल, बोलो ये तो सर अंधेरे में पूछे तो भी, लाइट वाइट बंद करके पूछेंगे तो भी बता देंगे सही होगा, क्योंकि ऑल में सम झमाझम सही होता है, और 500 रुपया है तो 500 रुपया तो रखे ही रखे हैं भाई, किसी ने 500 रुपया दिया तो भैया पक्का 500 रुपया रखे। हाँ ये करके दिखाओ, छोटा सा क्वेश्चन है।
अच्छा ठंडी में तुम लोग कहाँ करोगे, रजाई में घुस के वीडियो देख रहे हो, देखो कहाँ कॉपी पेन लेके बैठोगे, तुम लोग शांति से बैठो, हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। एक क्वेश्चन का अप्रोच सीखना, एक अगर एक सुपर बात लगे, अगर कोई सुपर कॉन्सेप्ट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत बताना कि सर मजा आ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि छह लोग हैं, उसने बोला VUT यानी VUT आर सीटेड, यानी विनीत उष्मा तरुण आर सीटेड इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, अतुल बबलू चेतन इज आल्सो सीटेड इन अ सेम सर्कल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग टू द सेंटर। बोले सर पहले देखिए छीछा लेदर खत्म करिए। हमने कहा क्या हो गया? बोले देखिए जो विनीत है, जो उष्मा है और ये तरुण है, इनमें आपको कोई दिक्कत? हमने कहा नहीं, ये तो फेसिंग सेंटर है, ये तो कंफर्म है। फिर बोले आगे चलिए, बोले अतुल बबलू चेतन ये तीन है, हमने कहा हाँ। बोले इनमें से कोई दो बाहर देख रहा, तो बोले सर कोई दो हमको बेवकूफ थोड़ी ना समझिए, AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, हम क्या जाने। तो हमने कहा हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका कंफर्म है कि ये तीनों फेसिंग सेंटर है। हमने कहा हाँ। तो बोले सर देखिए तो हमने कहा बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने आपसे कहा कि विनीत इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, ये लाइन आप क्यों बैठाएंगे जब आपको अतुल बबलू और चेतन में पता ही नहीं कौन अंदर देख रहा कौन बाहर, क्योंकि उसने बोला कोई दो बाहर देख रहा, वो AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, तो ये मैं नहीं बैठाऊंगा भाई। विनीत इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन नहीं बैठाऊंगा, उष्मा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अतुल नहीं बैठाऊंगा, ABC के अगल बगल कुछ भी बोलोगे नहीं बैठाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका फेस क्लियर नहीं है। बबलू इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण बोला, तो अगर बोला बबलू इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण है, तो अगर बबलू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण है तो याद रखना कि हम सबसे पहले छह लोग तो बना लिए, और फिर बोला कि बबलू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण है, तो तरुण तो ये कंफर्म है, क्योंकि तरुण विनीत उष्मा और तरुण का ये कंफर्म है कि फेसिंग सेंटर है, तो तरुण फेसिंग टू द सेंटर है, और बोल रहा है कि बबलू तरुण के थर्ड लेफ्ट में, तो एक दो तीन यानी बबलू कहां आ जाएगा, बबलू यहां आ जाएगा, बबलू यहां पर आ गया, चलो ठीक है। चेतन इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण, तो ये तो फेसिंग टू द सेंटर है, तो पक्का चेतन यहां आ जाएगा, चेतन इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण, सही हो गया। अब हम जो बैठा चुके हैं उनके अगल बगल देखेंगे, चेतन बैठा चुके हैं, तरुण बैठा चुके हैं, बबलू बैठा चुके हैं, तो चेतन को लेकर यह लाइन लिखी हुई है, वी इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, अगर चेतन वी यहां बैठाएंगे तो यहां पर टी बैठा है, तो वी को यही कंफर्म बैठाना पड़ेगा, और यह लेफ्ट तब होगा जब यह आउट ऑफ सेंटर होगा। बोले सर सही बात है, आगे चलिए। जब हम आगे गए तो बोला अतुल इज अ नेक्स्ट टू विनीत, तो अतुल इज नेक्स्ट टू विनीत, चलो भैया अतुल यहां पे आ गया। फिर उसने बोला उष्मा इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ अतुल, तो उष्मा यहां सेकंड राइट तभी होगी जब अतुल फेसिंग टू द सेंटर होगा। अब ए बी सी में कोई दो बाहर देख रहे हैं, तो ए फेसिंग टू द सेंटर है, ये आउट ऑफ सेंटर है, तो बी को भी आउट ऑफ सेंटर ही होना पड़ेगा। बबलू भी कहां देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, बाकी सब अंदर की तरफ देखेंगे। दैट्स कॉल्ड चूरनेस्ट क्वेश्चन इन दिस होल वर्ल्ड, ब्रह्मा के हाथ का बनाया सबसे आसान प्रश्न था, जिसको आपने तहस नहस करके छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया आपने इस क्वेश्चन को। जल्दी से इसका आंसर बताएं। राधिका बहुत ही शानदार आंसर किया आपने, राधिका बहुत ही शानदार आंसर किया आपने। अब जरा समझना कि अगर यहां पे ये क्वेश्चन दे रहा है तो ये 30 सेकंड वाला 30 सेकंड में उड़ा दो, ठीक है। अब जरा समझ लेना, उसने बोला कि सम रेड आर ब्लू बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, सम रेड आर ब्लू बोला, तो सम रेड आर क्या हो गया, ब्लू हो गया। सम ब्लू आर ग्रे हो गया, तो सम ब्लू आर क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो सम रेड आर ब्लू है, तो सम ब्लू आर क्या हो गया, यहां पे ग्रे हो गया, चलो ठीक है। ऑल ग्रे आर व्हाइट बोल रहा है, तो पूरा ग्रे हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, पूरा ग्रे क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। अब क्या बोला है, नो व्हाइट इज ब्लैक है, तो नो व्हाइट इज क्या कर दिए, ब्लैक कर दिए। अब जब इस तरीके से एक ही चीज है, दो अल्फाबेट हो जाए, तो इसे यहां पर पूरा लिख लिया करो कि ये ब्लैक हो गया, चलो ठीक है। अब बोला नो ब्लैक इज ग्रे, नो ब्लैक इज ग्रे, बिल्कुल सही है। पिता से अगर बदतमीजी कर दोगे तो लड़का अपने आप आपसे नो रिलेशन बना देगा, क्योंकि पूरा ग्रे व्हाइट के अंदर है, ठीक है ना। और फिर बोला अच्छा नो ब्लैक इज ग्रे, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पूरा ग्रे व्हाइट के अंदर है, कोई व्हाइट ब्लैक नहीं है। सम ब्लू आर व्हाइट,
सम ब्लू आर व्हाइट, बिल्कुल सही है भाई। अगर जी से संबंध ब्लू ने रखा है तो बिना व्हाइट से हुए नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा ग्रे व्हाइट के अंदर है। चलो, सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड असंभव है, एक उधपुर है दूसरा महमूदपुर है, रेड कहां ब्लैक कहां, कोई संबंध ही नहीं। नो ब्लैक इज रेड, कोई सवाल ही नहीं, दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। जब दोस्ती नहीं करा सकते तो दुश्मनी कहां से करा सकते हो, तो वो भी नहीं होगा। चलो ये करके दिखाओ, जल्दी से ये करके दिखाओ। इसका आंसर बताओ, अच्छा पीछे क्या आइदर और लग रहा था, हाँ पीछे आइदर और लग रहा था, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये आइदर और लग रहा था, ठीक 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 आइदर और लग रहा था भैया। सम ब्लैक रेड नो ब्लैक रेड, देखो यहाँ पे तीन 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 बातें, देखो तीन यस सर मिल रहा है ना, ये देखो तीन यस सर मिल रहा है, दोनों गलत है, बोले हाँ एलिमेंट सेम है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, हाँ आइदर और है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, वो आइदर और था, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, आइदर और था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सम जेड आर एक्स, सम जेड आर क्या है, एक्स है, चलो ठीक है। सम एक्स आर यू है, सम एक्स आर क्या है, यू है, और फिर क्या बोला, सम वी आर यू है, तो सम वी आर यू है। इसके बाद तुमको ये बनाओगे तो बार बार मिटा के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल वी आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वी आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम एक्स आर यू था, ये वी है, ठीक है ना, ठीक है। सम ऑल एक्स आर वी यूजर वी आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी सही है, ऑल वी आर जेड, ऑल वी आर जेड गलत है, अननोन में पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, 100% चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है ना। चलो आंसर बताओ। और दोस्तों ये मैं बता रहा हूं कि रोज रात में 10 बजे मेरी मुलाकात होती है, अब हम क्या करेंगे, रोज रात में 10 बजे हम लोग मिलते हैं, रोज रात में 10 बजे हम मिलते हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि जितने एग्जाम आ रहे हैं उन सब का प्योर प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम कहते हैं प्योर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हम कराना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं ये सोच रहा हूं कि 4 दिन आपको सिटिंग पजल रखूं और 2 दिन आपको, 4 दिन केवल सिटिंग और पजल रखूं, बताओ लगातार 4 दिन सिटिंग पजल पढ़ सकते हो, लगातार 4 दिन सिटिंग पजल कर दें, रिच बॉय आंसर करो बेटा प्लीज। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इसका हमें आंसर कर दीजिएगा, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, और रोज रात में 10 बजे अब रेगुलर क्लास आपकी हो गई है, बीच में कुछ टेक्निकल चीजें थी इसलिए थोड़ा सा रिदम बिगड़ा हुआ था, लेकिन मंडे से ये क्लास बहुत अपने रिदम में आ जाएगी, मंडे से ये इस क्लास में तबाही मचा देंगे, ये मेरा पूरा वादा है, मंडे से इस क्लास को मैं गारंटी कहता हूं कि तुम खोज के निकालोगे कि अतुल सर की रात की 10 बजे की क्लास क्या है, क्योंकि मैंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है कि रात 10 बजे का शो तुम लोग ढूंढ के खोजोगे कि सर जो सिटिंग पजल आपने करा दिया, ट्रायंगल सिटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से पूछा जाता है, अनसर्टेन कितने तरीके से पूछा जाता है, हर मंडे, अब हर मंडे कह रहा हूं, मंडे से रेगुलर मंडे से इसको एक नया रूप देके मैं इस बैच को शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, थैंक्स अ लॉट। इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, एक बार जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।